हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने एसपी एजुकेशन पॉइंट चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मुख्य करंट अफेयर्स की, जो आपके एग्ज़ाम में सीधे तौर पर दिखाई देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आप हमसे जुड़ने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। फ्रेंड्स, आज चलते हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर, और आज का पहला ही क्वेश्चन काफ़ी आईएमपी क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, वजोसा उस्मानी को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। फ्रेंड्स, ये जो है उस वजोसा उस्मानी को कोशोवो देश का नया राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स, और अगला क्वेश्चन है कि पद्मश्री फातिमा शरीफ जकारिया का हाल ही में निधन हो गया, वह एक थी। इस तरह क्वेश्चन काफ़ी दिखते हैं फ्रेंड्स। वह एक पत्रकार थी, ठीक है फ्रेंड्स, जो फातिमा रफ़ीक जकारिया हैं, जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, वह एक पत्रकार हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। प्रसिद्ध पत्रकार, शिक्षाविद और मौलाना आज़ाद एजुकेशन ट्रस्ट के अध्यक्ष और पद्मश्री से सम्मानित फातिमा रफ़ीक जकारिया का महाराष्ट्र के औरंगाबाद के बजाज अस्पताल में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सिडबी सिडबी के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स, आज का सबसे आईएमपी क्वेश्चन है कि किसे सिडबी का जो है नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सिडबी का नया अध्यक्ष काफ़ी आईएमपी क्वेश्चन है, और इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स, एस रमन को सिडबी का नया अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, आप ऐसे क्वेश्चनों को नोट डाउन जरूर करें फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शुरू किए गए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल का नाम बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, जो सुप्रीम कोर्ट में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई से रिलेटेड पोर्टल शुरू किया गया है, उसका नाम बताइए। तो उसका नाम फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, SUPACE। इसका फुल फॉर्म भी देख लेते हैं फ्रेंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सॉरी, भारत भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल सुपेस यानी SUPACE लॉन्च किया है। इसका फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट पोर्टल असिस्टेंट इन कोर्ट्स इफिशियंसी या दक्षता। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसका फुल फॉर्म भी सुपेस का नोट कर लें, ये काफ़ी आईएमपी क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली क्रिकेट कमेंटेटर रही हैं। ठीक है, तो भारत की पहली जो है महिला क्रिकेट कमेंटेटर जो थी, वह थी चंद्रा नायडू भारत की पहली क्रिकेट कमेंटेटर थी, और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है, इसलिए यह चर्चा में है फ्रेंड्स। आप इनको याद रखें इनका नाम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे वियतनाम के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। वियतनाम के अभी राष्ट्रपति जो है उनको चुना गया है, तो वे कौन है? वे हैं ग्वेन जुआन फुक को वियतनाम का नया राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। फ्रेंड्स, आप इन नामों को 2 से 3 बार दोहराएं और ये याद हो जाते हैं, और एग्जाम में भी जो है ये डायरेक्ट ही पूछे जाते हैं, क्योंकि ये हमारे एशिया प्रशांत क्षेत्र के ही देश हैं, इसलिए इनका काफ़ी इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है एग्जाम्स में आने का। इसलिए जो वियतनाम के राष्ट्रपति हैं वो ग्वेन जुआन फुक को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है काफ़ी आईएमपी क्वेश्चन बोल सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने कृषि उपज की संकल्प परिकल्पना के विरुद्ध ऋण की सीमा 50 लाख रुपए से बढ़ा करके प्रति उधारकर्ता कितनी कर दी है। फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है 75 लाख रुपए, जो 50 लाख रुपए थी उसको बढ़ाकर 75 लाख रुपए प्रति उधारकर्ता कर दी गई है, क्योंकि अभी किसान आंदोलन चल रहा है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन जो है काफ़ी आईएमपी हो जाते हैं एग्जाम्स की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है, आरबीआई की मौद्रिक नीति के अनुसार वर्तमान नगद आरक्षित अनुपात CRR, ठीक है फ्रेंड्स, कैश रिजर्व रेशियो कितना है। यह जो फ्रेंड्स
इसका जो आंसर होगा, इसका इसका जो आंसर होगा 3.5% CRR। अभी भारत में जो RBI की नई मौद्रिक नीति आई उसके अनुसार 3.5% ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने सबसे अधिक वनडे जीत दर्ज करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ये भी कई कई काफ़ी IMP क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि किसी देश की महिला टीम ने पुरुषों की महिला टीम को पछाड़ करके जो है विश्व रिकॉर्ड मैचों को जीतने में बना दिया, और वह है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने, जो महिला टीम है उसने पुरुष टीम को पछाड़ करके जो है रिकॉर्ड यह अपने नाम दर्ज किया है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और आज का अंतिम और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आप ऐसे क्वेश्चनों को नोट डाउन जरूर करें फ्रेंड्स। क्वेश्चन है, किस राज्य में 100 MW बिजली उत्पादन क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र स्थापित किया गया है फ्रेंड्स? इसका जो आंसर होगा तेलंगाना। तेलंगाना राज्य में 100 MW का तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है हम यहीं समाप्त करेंगे, क्योंकि आज के महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वो हमारे द्वारा आपको ला दिए गए हैं फ्रेंड्स। ठीक है, आप हमसे जुड़ने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, जो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। फ्रेंड्स, आप हमारे वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि इसका लाभ सभी तक पहुंच सके, और हमारे वीडियो को लाइक भी करें। और यदि आपके कोई सुझाव हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं और हम उस पर काम भी करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट दिन। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।